हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अब नवंबर शुरू हो गया है तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स शुरू हो गए हैं आने, और आप इसको अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, जैसे हैंगिंग बास्केट में या फिर बड़े कंटेनर में कॉम्बिनेशन दो या तीन फ्लावर्स का, जिनमें फ्लावर्स का कलर अलग अलग होगा। कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग ट्राई करेंगे, अलग अलग प्लांट्स भी ट्राई कर सकते हैं। ध्यान बस एक ही चीज़ का रखना है कि इनकी पानी के, सॉइल की, फर्टिलाइज़र की, सनलाइट की रिक्वायरमेंट, दोनों या तीनों प्लांट्स जितने भी यूज़ कर रहे हैं उनके सब की ये मेन रिक्वायरमेंट्स सिमिलर हैं। क्योंकि अगर ये प्लांट्स विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो जनरली इनकी सिमिलर रिक्वायरमेंट होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ता है कि प्लांट्स का साइज़ जब फुल ग्रोन होंगे तो वो कैसे होंगे। जैसे मैं ये दो प्लांट्स का एग्ज़ाम्पल आज लूँगी, पूरा दिखाऊँगी आपको कि कैसे लगाया मैंने। दो प्लांट्स जो लिए हैं, एक मैंने लिया है स्वीट एलिसम और एक मैंने लिया है डायंथस। तो ये दोनों अलग अलग कलर्स के हैं और इनकी हाइट जो स्वीट एलिसम की है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, मगर जो डायंथस है वो कवर ज़्यादा करेगा और हाइट थोड़ी सी उससे शॉर्ट रहेगी। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें और अलग अलग तरीके से आप लगाएं। बड़े कंटेनर में, स्क्वायर कंटेनर में, सब में कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप इनको फ्लावर्स से ही कॉम्बिनेशन बनाएं, इसको कुछ पेरिनियल प्लांट्स उनके साथ भी आप इसके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सबसे पहले ये लगाते हैं और ये अब मिट्टी निकाल लिए, पॉलिथीन निकालने के बाद आ गया। अब इसको ऐसे के ये ऐसे लगा देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे एकदम भी रूट बॉल। बस एक ये लग गया, ऐसी एक और लगा देते हैं। अब ये भी लग गया है, अब इसमें मिट्टी भर लेंगे। देखिए कितना प्रिटी लगने लगा है ये। बस वॉचिंग कर देंगे और इसको ग्रो करने के लिए ब्राइट लाइट में रख देंगे। आप पॉटिंग सॉइल एकदम डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसकी। तो ऐसे ही आप कलर कॉम्बिनेशन ट्राई करके लगा सकते हैं, बहुत प्रिटी लगने लगते हैं कंटेनर्स।